नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में। दोस्तों, टॉन्सिल्स जो होते हैं अपनी बॉडी में, वो नॉर्मली सभी के प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ये जो गला जहाँ से स्टार्ट होता है और जो अपनी टंग होती है, जीभ जहाँ पे ख़त्म होती है और गला जहाँ से स्टार्ट होता है, तो उस पॉइंट पे सभी के दोनों तरफ यहाँ पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो नॉर्मली छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड्स होती है, जो दोनों साइड प्रेजेंट रहती है। तो इनका मेनली काम क्या रहता है, ये जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, लगभग 5 साल से कम के मान सकते हैं अपन, तो उनमें ये एक प्रकार से प्रिवेंटिव मेजर रखता है। मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए बॉडी में, तो उस कंडीशन में ये जो टॉन्सिल्स होते हैं वो उन इन्फेक्शन को होने से बचाते हैं छोटे बच्चों में। लेकिन जो बड़े हो जाते हैं, जैसे एडल्ट एज में आ जाते हैं, तो इन टॉन्सिल्स का कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है कोई भी डिजीज कंडीशन में, या फिर कोई भी कंडीशन में इनका ज़्यादा रोल नहीं रहता है, तो नॉर्मली ये प्रेजेंट रहती है। लेकिन इसका इन्फेक्शन सभी के हो सकता है, जैसे बच्चों में भी हो सकता है। बच्चों में ज़्यादा कॉमन देखा जाता है कि जो 5 साल से छोटे रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो गया। और इसके अलावा बड़ों में भी टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको टॉन्सिलाइटिस नाम से अपन जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉन्सिलाइटिस होता है, इसको कैसे ठीक किया जाए, कुछ घरेलू उपाय वगैरह और कुछ दवाइयों के बारे में कि कौन सी इसको ठीक करने के लिए हेल्पफुल रह सकती है, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, ये जो टॉन्सिलाइटिस होता है, इसमें टॉन्सिल्स जो होते हैं अपने, जो ग्रंथि होती है छोटी छोटी टॉन्सिल्स, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन होने की वजह से जिस प्रकार इस फोटो में दिखाया गया है, उस प्रकार ऐसे बहुत मतलब स्वेलिंग आ जाती है इसमें, बहुत बड़े बड़े जैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, और उसके ऊपर जैसे वाइट परत भी आ सकती है और येल्लो परत भी आ सकती है। और मतलब कोई चीज़ जैसे ये एनलार्ज हो जाएंगे, साइज में इंक्रीज हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में पेशेंट कोई भी चीज़ खाएगा, निगलेगा, तो उस कंडीशन में उस दौरान पेन भी होगा उसके निकलने के टाइम पे। इसके अलावा इन्फेक्शन हो रहा है तो जो बॉडी होती है उसमें फीवर भी आएगा, बुखार भी होगी। और इसके अलावा जो मुंह होता है, मुंह से लार टपकती रहेगी, सलाइवा का सीक्रेशन होता रहेगा, और जैसे भूख नहीं लगेगी पेशेंट को, मुंह में से बदबूदार स्मेल आएगी। इसके अलावा जैसे टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, और टैकीकार्डिया मतलब जो हार्ट की जो पल्स रेट है वो भी इंक्रीज मिलेगी। और कुछ ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कॉमनली जिसके टॉन्सिलाइटिस होता है। तो उस कंडीशन में वो पेशेंट इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले ध्यान में रखे कि उनको एक जो पानी लेना है, गुनगुना पानी लेना है, उसमें नमक डालना है और नमक के गरारे करने हैं काफ़ी, लगभग 4 से 5 मिनट तक, और दिन में लगभग 3 से 4 बार तो करने ही है। और लगभग गरारे करके मुंह को बंद ही रखना है, ज़्यादा बोलना नहीं और ज़्यादा ओपन भी नहीं रखना है। लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस आ गए, जैसे लिस्ट्रीन आता है, तो उस लिस्ट्रीन को भी आप जैसे 5 से 10 ml तक एक ढक्कन में लेके और एक कप में पानी लेके उसमें मिक्स करके और उसके भी आप गार्गल्स गरारे कर सकते हैं। और गार्गल्स वही 2 से 3 बार दिन में करने हैं, मुंह को ज़्यादा ओपन नहीं करना है उसके बाद में, ताकि जैसे वहाँ पे जो गंदगी वगैरह है या फिर कोई बैक्टीरिया वगैरह है वो इजीली साफ़ हो सके। इसके अलावा दोस्तों, इसमें जैसे जो इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। तो मेनली अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए, या फिर ये जो टॉन्सिलाइटिस है इसके लिए एजिथ्रोमाइसिन अपन काम में ले सकते हैं 500 mg, जो कि लगभग दिन में एक बार लेनी है और लगभग 4 से 5 दिन तक लेनी है, जो कि डॉक्टर के परामर्श से ही लेनी है आपको हमेशा, जितनी भी दवाई लो वो। तो इसके अलावा दोस्तों, जैसे फीवर भी रहेगा शरीर में, और उस जगह पे जो टॉन्सिल्स होते हैं उस पे दर्द भी रहेगा और बुखार भी रहेगी, तो उसको ठीक करने के लिए पैरासीटामोल 500 mg आप टेबलेट्स दवा काम में ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो टॉन्सिल्स होते हैं वो ड्राई नहीं होने चाहिए। ड्राई मतलब मतलब सलाइवा का सीक्रेशन होता रहना चाहिए, वो हमेशा गीले ही रहने चाहिए। अगर ड्राई रहेंगे, सूख जाएंगे, तो वहाँ पे इरिटेशंस ज़्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से कफ वगैरह आएगा। और अगर पेशेंट कफ करेगा मतलब खांसी करेगा, तो जो टॉन्सिल्स है वो रफ्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है, और कॉम्प्लिकेशन मतलब जो ब्लीडिंग है वो लंग्स में जाके निमोनिया भी कॉज कर सकता है। तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेप्सिल्स आती है, स्ट्रेप्सिल्स आप नॉर्मली मुंह में रख सकते हो, जो लॉन्जेज होती है, थ्रोट लॉन्जेज, वो काम में ले सकते हो स्ट्रेप्सिल्स, ताकि कंटिन्यू मतलब रेगुलर इंटरवल पे वो नमी बनाए रखे टॉन्सिल्स पर, उनको ड्राई नहीं होने दे।
इसके अलावा दोस्तों अपन दवाइयों में काम में लिए हैं, जैसे पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन और ये जो स्ट्रेप्सिल्स साथ में काम में लिए हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो लिस्ट्रीन होता है, जो गार्गल के लिए लिस्ट्रीन काम में ले सकते हैं, या फिर एक गुनगुने पानी में नमक मिला के और उसके भी गार्गल साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इसका ट्रीटमेंट है, यही इसी को 4 से 5 दिन आप कंटिन्यू रखें और इसी में आपको रिलीफ मिल जाएगा। और हमेशा दवा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज में लें। इसके अलावा कुछ घरेलू उपायों के बारे में अपन बात करते हैं और कौन सी चीज़ है जो टॉन्सिलाइटिस कर सकती है। तो दोस्तों जो ज़्यादा स्पाइसी फूड खाता है, इसके अलावा उसके जो रेगुलर इन्फेक्शंस वगैरह होते रहते हैं मेनली बच्चों में, तो उनके टॉन्सिलाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों कुछ पेशेंट होते हैं वो दवाई वगैरह भी ले लेते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं, लेकिन उनकी टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे ठीक नहीं होता है। तो उस कंडीशंस में जो सर्जन डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा ये टॉन्सिल्स रिमूव भी किया जा सकता है सर्जरी के द्वारा, जिसको टॉन्सिलेक्टमी के नाम से जानते हैं। दोस्तों जिस किसी के भी टॉन्सिल्स हो, तो वो जैसे दूध के डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो चीज़ होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, आइसक्रीम वगैरह हो गई, उसको आप हमेशा अवॉइड ही करो। क्योंकि क्या होता है, जो क्रीम होती है, मिल्क में क्रीम होती है, चीज़ में क्रीम होती है, तो वो क्रीम कोट कर देती है, जो टॉन्सिल्स होते हैं उनको ओवर कोटिंग कर देती है, जिसकी वजह से इरिटेशन होती है और बार बार कफ आता है, तो उसकी वजह से रप्चर होने के चांसेस रहते हैं टॉन्सिलाइटिस के। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस में आप हमेशा गुनगुना पानी ही काम में लें, ना कुछ ज़्यादा ठंडा खाएँ, ना कुछ ज़्यादा गर्म खाएँ। इसके अलावा खाने में आप काम में ले सकते हो, ज़्यादा हार्ड चीज़ मत खाओ, जैसे दलिया वगैरह हो गया, खिचड़ी हो गई, कोई लिक्विड सूप वगैरह हो गया, जो वॉर्म रहे, हॉट रहे, वो चीज़ आप काम में ले सकते हो। पानी भी पीने के लिए आप हमेशा हॉट वाटर ही काम में लें, कोल्ड वाटर का यूज़ में ना लें। तो ये कुछ अपन आज इसके कुछ टॉन्सिलाइटिस के साइंस सिम्टम्स के बारे में, इसके कारण के बारे में कि किसकी वजह से हो सकता है, और फाइनली इसके ट्रीटमेंट के बारे में अपन बात किए कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।